केंद्रीय वक्फ काउंसिल अने प्लानिंग अने फाइनांस कमिटी ना चेयरमैन रईस खान पठाणे आज रोज भावनगर नी मुलाकात लई मुस्लिम आगेवानो साथे बैठक योजी हती। बैठक बाद पत्रकार परिषद योजी विस्तृत माहिती आपी हती। यहाँ पर मैं निजी तौर पर आया हूँ, समीर भाई के दावत पे, अल्ताफ भाई के दावत पर, आरिफ भाई के, और यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र हैं। हम काफ़ी टाइम से यहाँ आना चाहते थे लेकिन आने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी थी कि जिसके लिए हमें आना यहाँ ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर और उन प्रॉपर्टियों का क्या हाल है, और नंबर दो, इलेक्शन अभी आने वाले हैं और सभी को उसका इंतज़ार है। यहाँ की स्थिति क्या है, माहौल क्या है, उसको समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का। और हमें आगे कुछ ही घंटे हुए, हमने यहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की मालूमात ली है और कुछ यहाँ के इलेक्शन के माहौल को समझने की कोशिश की है। हम आप लोगों से बात बाद में करना चाहते थे लेकिन इन्होंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ पहले से तय कर दिया था, तो हम पूरी मालूमात आपको जब देते जब हम यहाँ पर सही ढंग से लोगों से मिल लेते और अपनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते। लेकिन हुआ उल्टा, इन्होंने पहले प्रोग्राम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रख दिया। खैर, कल तक हम यहाँ पर हैं, जो भी हमें मालूमात होगी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है जो बड़ा सराहनीय है और हम दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाई है मदरसों के बारे में। एक महीने के अंदर उन्होंने, यूपी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मंगाई है कि कितने मदरसे यूपी स्टेट के अंदर हैं, उसकी जानकारी दी जाए, कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हैं, कितनी सरकार की प्रॉपर्टी पर हैं और कितनी निजी संपत्तियों पर है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ गुजरात के अंदर भी